चलो करते हैं मैगजीन, लेकिन ओ क्या देखना है? इन दोनों में से आंसर बताइए, क्या देखना है, नंबर वन या फिर नंबर टू? नंबर टू करेक्ट होगा। लेकिन उन्होंने कहा, हमारे पास तुम्हारे इस नॉनसेंस के लिए पैसा नहीं है बेटा। या हाय, मेरा नाम मार्गो है और मेरा बचपन बहुत बेकार था। मेरे मॉम डैड को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। वो मुझे घटिया खाना खिलाते थे और मैले कपड़े पहनाते थे। मेरी क्लासमेट्स हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते थे। चीज से खुशी मिलती थी और वो था गाना। मैंने वोकल कोच रखने के लिए अपने पेरेंट्स से काफी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे पास तुम्हारे इस नॉनसेंस के लिए पैसा नहीं है बेटा। या राइट, लेकिन उनके पास पार्टीज करने के लिए हमेशा पैसे रहते थे। अफकोर्स मैं इन सब चीजों से काफी दुखी थी, लेकिन मैंने अपनी हॉबी नहीं छोड़ी। मैं घर पर ही गाती थी, पर उससे भी मेरे पेरेंट्स नाराज हो जाते थे। यूजुअली वो टीवी की वॉल्यूम इतनी ऊपर कर देते थे कि उन्हें मेरी आवाज सुनाई ना दे, लेकिन एक दिन उन्होंने तो हद ही कर दी। उस दिन मेरा मूड काफी अच्छा था, क्योंकि अगले दिन मैं पहली बार एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट के लिए स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी। मैं अपने रूम में रियाना के गाने की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी डैड मेरे रूम में आ गए और उन्होंने गुस्से में कहा, तुम शांत रहने का क्या लोगी, हमारे घर में गेस्ट आए हैं, तुम्हारा ये रोना सुनकर वो परेशान हो रहे हैं। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं थोड़ा धीरे गाऊंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स फिर भी खुश नहीं थे। आखिर में मॉम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने फालतू के गाने, कुछ ही मिनटों में मेरे दांत कटकटाने लगे, लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने एक घंटे तक गाना गाया, जब तक कि फाइनली मेरी आवाज बंद नहीं हो गई। उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया, ठंड से मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैंने पूरी जान लगाकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो मैंने कूदकर खिड़की में देखा। मेरे पेरेंट्स आराम से सोफे पर सो रहे थे और उनकी गेस्ट्स वो तो टेबल पर पड़े हुए थे। किसी को मेरा ख्याल नहीं रहा। मुझे अपने पैर महसूस होना बंद हो गए थे और ठंड से मेरा शरीर नीला पड़ रहा था, इसलिए मैंने बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और खिड़की तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक मेरे नेबर ने मुझे आवाज दी, मार्गो तुम क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और उस भली औरत ने रात में मुझे अपने घर रुकने दिया। उन्होंने गर्म चाय दी और ब्लैंकेट में लपेट कर बेड पर लिटा दिया। जब तुम उठोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले चलूंगी। मैं खुशी खुशी सो गई, लेकिन सुबह मुझे अपने पेरेंट्स के बजाय एक आदमी दिखाई दिया। वो मुझे ऑर्फनेज ले आया। मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई स्पेंट देयर बिफोर आई वाज सेंट टू अ फॉस्टर फैमिली लिविंग इन अनदर स्टेट। किस्मत से बेकर्स अच्छे लोग थे। मिसेस बेकर वोकल कोच थी और मेरा टैलेंट देखने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेन किया, पियानो भी बजाना सिखाया। मुझे उनका बेटा जेकब भी बहुत अच्छा लगता था। शुरू में हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम कपल बन गए। कुल मिलाकर मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझे अभी भी अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती थी। भले ही उन्होंने मुझे चाहे कितने भी गंदे तरीके से ट्रीट किया हो, पर थे तो वो मेरे मॉम डैड ही ना। मुझे यकीन था कि उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा होगा और उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हो रहा होगा। इसलिए जैसे ही जेकब और मैं अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो गए, हमने अपने कपड़े पैक किए और मेरे होम टाउन पर आ गए। वहाँ हमने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया। जेकब ने एक जॉब स्टार्ट कर दी और मैंने वो करने का फैसला किया जिसके लिए मैं वहाँ आई थी। मैं अपने पेरेंट्स के घर आई। अपने घर का जाना पहचाना बैकयार्ड देखकर मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था। इतने साल बीतने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला था। हाउएवर आई वंडर्ड हु वाज दैट गर्ल। जब मैं थोड़ा करीब गई तो मैंने देखा कि उसकी शक्ल मुझसे काफी मिलती जुलती है। मेरे पेरेंट्स ने शायद मुझे पाने की आस छोड़ दी थी, एंड दैट्स व्हाई नाउ दे हैड अनदर किड। मैं पहली बार अपनी बहन से मिली। रीटा बहुत फ्रेंडली थी। उसने मुझे बताया कि उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे और वो उसे प्रैक्टिस करने नहीं देते थे। ये सब सुनकर मैं काफी अपसेट हो गई। मेरे साथ जो हुआ था उससे उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। मैं रीटा की बातें सुन रही थी और तभी पीछे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। रीटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर से बात मत किया करो। मैं मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और अपनी बाहें फैलाकर मॉम को हग करने के लिए गई, लेकिन उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, ओह
तो ये तुम हो। वैसे तुम अगर चाहो तो घर के अंदर आ सकती हो। मुझे नहीं लगा था कि हमारी मीटिंग ऐसी जाएगी। मैं मॉम के पीछे पीछे घर के अंदर गई, लेकिन उन्होंने मुझे चाय पानी तक ऑफर नहीं किया और सीधे पूछा, यहाँ पर क्यों आई हो? पैसे चाहिए? ये लो। मॉम ने अलमारी से नोटों की एक पतली सी गड्डी निकाली और मेरी तरफ फेंक कर कहा, बस अब यहाँ से चली जाओ प्लीज। तुम्हारी वजह से ये चाइल्ड सर्विसेज वाले हमें चैन से जीने नहीं देते। वो हमेशा यहाँ पर आकर चेक करते रहते हैं कि रीटा अच्छी है या नहीं। और हाँ, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम उसकी बहन हो, वो बेकार में अपसेट होगी। इतना सब सुनने के बाद मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने उनके पैसे टेबल पर ही फेंक दिए और तुरंत घर से बाहर चली गई। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहे जा रहे थे और मेरे चारों तरफ सब कुछ धुंधला धुंधला होता जा रहा था। मैं किसी तरह घर वापस आई और उसके बाद फूट फूट कर रो पड़ी। I was miserable। मैंने सारे बर्तन तोड़ दिए और बेजान होकर बेड पर गिर गई। जेकब भी मुझे शांत नहीं कर पाया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी से सारे रंग गायब हो गए। I stopped smiling, taking care of myself और even cleaning the house। हमारा अपार्टमेंट अब घर जैसा नहीं लगता था। शुरू में जेकब ने मुझे मेरी उदासी से बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर वो मेरा मायूस चेहरा देख देख कर तंग आ गया था और ज्यादातर वक्त अपने काम पर ही रहने लगा। कुछ नहीं बचे थे। मैं बस घर वापस आ गई, पियानो के पास बैठी और गाना शुरू कर दिया। The notes and words came to me by themselves। इस तरह मैंने अपना पहला गाना कंपोज किया। वो सैड तो था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। मैंने पियानो बंद किया, अपना सामान पैक किया और एंगेजमेंट रिंग डाइनिंग टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर मुझे जेकब मिल गया। वो बिना कुछ बोले सब कुछ समझ गया। आई एम सॉरी मार्गो, प्लीज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। द अपार्टमेंट इज पेड फॉर टिल द एंड ऑफ द मंथ। जेकब खुद घर से बाहर चला गया और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए नौकरी चाहिए थी। मैंने लैपटॉप खोला और वैकेंसीज देखने लगी, पर तभी किसी ने डोरबेल बजाई। क्या तुम कुछ भूल गए थे? पर वहाँ पर तो जेकब नहीं था। मिस इवांस, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। मेरी गेस्ट ने अपना नाम पीटर बताया और कहा कि वो एक लॉ फर्म का एम्प्लॉई है। उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड और एक फोल्डर दिया। उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स की चाबी थी। इज दिस सम सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक? अरे बिल्कुल नहीं। आपको शायद आपके ग्रैंडफादर याद नहीं होंगे, क्योंकि तब आप बहुत छोटी थी। मिस्टर इवांस बहुत रिच थे, लेकिन उन्हें एक भयानक बीमारी थी। उन्होंने आपके पेरेंट्स की लाइफस्टाइल देखने के बाद आपको यानी अपनी ग्रैंडडॉटर को अपनी जायदाद की इकलौती वारिस बनाया था। अब जबकि आप एडल्ट हैं, आप इसे ले सकती है। ये सब मुझे किसी जोक के जैसा लग रहा था। मैं पूरी शाम उस न्यूज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करती रही और सुबह सुबह सच्चाई का पता लगाने के लिए बैंक गई। वो लोग मुझे एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के पास ले गए। मैंने चाबी निकाल कर उसे खोला और उसके बाद मैं खुशी से चीख पड़ी। उसके अंदर ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे। In one day, I went from struggling as a beggar, abandoned by everyone, to being a rich woman. और उसके लिए तो celebration बनता था। मैंने शहर के सबसे expensive restaurant में lunch किया, सबसे luxurious boutiques में shopping की, और फिर एक अच्छे से spa गई। रात में मैंने एक शानदार night club में party की। I only came back home in the morning, tired but blissfully happy. मैं सोने जाने वाली थी कि तभी एक मैसेज आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो रीता का मैसेज था। उसने मुझसे मिलने के लिए कहा था। मैंने अपनी बहन के लिए एक टैक्सी भेजी और कुछ ही घंटों में वो मेरे घर पर थी। उसने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, उस दिन मैंने तुम्हें मॉम से बात करते हुए सुन लिया था और मुझे पता है कि तुम मेरी बहन हो। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बातें कहूँ। मुझे उनके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ तभी केयरिंग पेरेंट्स बनने का नाटक करते हैं जब चाइल्ड सर्विसेज वाले आते हैं। असल में उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। रीटा की सिचुएशन मैं अच्छी तरह से समझती थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमने बहुत देर तक बातें की। रीटा बहुत अच्छी और हैप्पी गर्ल थी। मैंने उसके लिए वो गाना गाया जो जेकब से धोखा मिलने के बाद मैंने कंपोज किया था। रीटा ने मेरी परफॉर्मेंस की एक वीडियो ली। गाना खत्म होने के बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे इसे टिकटॉक पर पोस्ट करना चाहिए। That was so cool, sis. तुम पॉपुलर बन जाओगी, प्लीज ट्राई करो। लेकिन मुझे हेट कमेंट से काफी डर लगता था। मेरी लाइफ में वैसे भी काफी नेगेटिविटी थी, इसलिए मैंने रीटा को साफ इनकार कर दिया। शाम को मैं उसे घर छोड़ने गई और फिर वापस आकर सो गई। सुबह सुबह ढेर सारे नोटिफिकेशंस मेरा इंतजार कर रहे थे। रीटा ने मुझे ढेर सारे जॉयफुल इमोटिकॉन्स एंड स्टिकर्स भेजे थे। जैसे ही मैंने उसका भेजा हुआ लिंक खोला, मैं बेड से उछल पड़ी। That little trickster had posted my song after all, and it got 2 million views.
महसूस। उस दिन के बाद से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए और टिकटॉक्स बनाने लगी और उन पर मुझे ढेरों लाइक्स मिलते थे। मेरी ऑडियंस तेजी से बढ़ रही थी। मैंने अपने ग्रैंडफादर के पैसों को अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगा दिया। I recorded songs in professional studios, filmed cool music videos, took vocal lessons. एक साल बाद मैं एक रियल स्टार बन गई थी। मैंने कई फेमस म्यूजिशियंस के साथ काम किया था और सबसे पॉपुलर शोज का हिस्सा बन गई थी। टॉप ब्लॉगर्स भी मेरी परफॉर्मेंसेस पोस्ट करते थे। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, मैं बहुत अमीर हो गई थी। और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये कि उन पैसों का कुछ हिस्सा मैंने अपनी फोस्टर फैमिली को भेज दिया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ बहुत अच्छे से रखा था। पीटर और मैंने डेटिंग शुरू कर दी और थोड़ी टाइम बाद शादी भी कर ली। हम अब बेवरली हिल्स के एक लग्जरी मैंशन में रहते थे। रीता हर वीकेंड हमसे मिलने आती थी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा मूड काफी खराब हो गया। उस दिन जब मैं टूर से वापस लौटी तो मुझे अपने पेरेंट्स घर के पास दिखाई दिए। मार्गो डियर, प्लीज Forgive us. हमें समझ आ गया है कि हम कितने गलत थे। मॉम ने रोना शुरू कर दिया और मुझे हग करने के लिए मेरे पास आने लगी। लेकिन उनकी ये गंदी चालें अब मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली थी। मुझे अच्छे से पता था कि उन्हें बस मेरे पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर उनसे पीछा छुड़ाना उतना भी आसान नहीं था। मेरे पेरेंट्स हर जगह मेरा पीछा करते थे और मैं जहाँ जाती थी वो वहाँ चले आते थे। घर पर, कॉन्सर्ट्स में, स्टूडियोज के पास, मैं बस उन्हें अनदेखा करके वहाँ से आगे बढ़ जाती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे चाइल्ड सर्विसेज से कॉल आई। मिसेस इवांस, आपके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया है, आकर रीटा को ले जाइए, नहीं तो उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने रीटा को तुरंत अपने पास लाने का इंतजाम किया और कुछ ही घंटों में वो मेरे पास थी। मेरी बहन सेफ थी, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए दुख हो रहा था। इवन आफ्टर एवरीथिंग दैट दे हैड डन, काश मैंने उन्हें दूसरा मौका दे दिया होता। इसलिए मैंने अपने कनेक्शंस का यूज करके पता लगाया कि वो किस हॉस्पिटल में है और तुरंत उनके पास गई। जैसे ही मैं उनके वार्ड में घुसी, मेरी चीख निकल गई। मॉम और डैड व्हीलचेयर्स पर थे। उनकी पूरी बॉडी पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने घुटनों पर बैठकर अपने पेरेंट्स को गले लगा लिया। हम पहले कभी इतना क्लोज नहीं थे। मैंने अपने मॉम डैड के लिए वो सब करने का फैसला किया जिससे वो वापस अपने पैरों पर खड़े हो सके। मैंने डॉक्टर्स को पैसे देकर अपने पेरेंट्स को सबसे अच्छे वार्ड में ट्रांसफर करवा दिया। उन्होंने उन्हें सबसे एक्सपेंसिव मेडिसिन देनी शुरू कर दी। एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स के फोन टूट गए थे, इसलिए मैंने उन्हें ब्रांड न्यू आईफोन्स लाकर दिए ताकि वो कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने बेवरली हिल्स में अपने घर के ठीक बगल में उनके लिए एक घर खरीद लिया ताकि मैं बिना किसी परेशानी के उनका ध्यान रख सकूं। डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पेरेंट्स वहाँ रहने आ गए और हमने एक नॉर्मल फैमिली की तरह एक साथ रहना शुरू कर दिया। क्रिसमस पर मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। I put vouchers for a trip to the Maldives for wheelchair users in a sock and snuck into their house to hang the gift on the Christmas tree. लेकिन तभी मुझे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सॉक तान दिया और अपने पेरेंट्स का रिएक्शन देखने के लिए क्लोसेट के अंदर छिप गई। एंड देन कुछ बहुत बुरा हुआ। मॉम और डैड अचानक अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने बैंडेजेस हटा दिए और कॉकटेल की बोतल खोली। उसके बाद डैड ने अपना ग्लास उठाकर कहा, टू आवर डॉक्टर मिस्टर स्कॉट हु कंफर्मड आवर ब्यूटीफुल स्टोरी टू दैट फूल। एक बार फिर से मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। लेकिन अब मैं रोने वाली बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही अपने लिए दुखी होने वाली थी। मैं तुरंत क्लोसेट से बाहर निकल आई और अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ बोल दिया जो मैं उनके बारे में सोचती थी। मैंने उन्हें घर से भी निकाल दिया, लेकिन वो अपने साथ साथ रीटा को भी ले गए। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे हर्ट करना चाहते थे। मेरी बहन बहुत रो रही थी और वो मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन कानून ने हमारे पेरेंट्स का साथ दिया। उस दिन के बाद से पीटर और मैं हमेशा यही सोचते रहते थे कि हम कैसे रीटा को वापस ले सकते हैं। लेकिन मेरे कनेक्शंस और लीगल टैलेंट के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी उम्मीद टूटने लगी। बट देन एक दिन मुझे चाइल्ड सर्विसेज से कॉल आई। मिसेस इवांस, आपके पेरेंट्स का दोबारा कार एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत चोट लगी है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, आप आकर अपनी बहन को ले जाइए। आई वॉज ऑल टू हैप्पी टू ब्रिंग रीटा टू माई होम। लेकिन उन्होंने जो मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला, मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो इतने लालची थे कि उन्होंने मेरे पैसे पाने के लिए जरूर कोई नई तरकीब निकाली होगी। मुझे उन पर इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें उनके झूठ की सजा देने का फैसला किया, इसलिए मैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए हॉस्पिटल में अपने साथ पुलिस को ले गई और सीधे वार्ड में घुस गई। पर वहाँ जो मैंने देखा उसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मॉम अपाहिज और बेसहारा बेड पर लेटी हुई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका पा रही थी। आई डोंट नो क्या वो मुझे पहचान भी पा रही थी या नहीं। मैंने कांपती हुई आवाज में अपने डैड के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने सर झुका लिया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, माय कंडोलेंसेस मिस, योर फादर डाइड इन इंटेंसिव केयर।
अब मैं फिर से एक दोराहे पर आ गई हूँ। क्या मेरी मॉम ने जो किया उसके बावजूद मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए या उन्हें भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए?